घाटी में तनाव के चलते राज्य के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा नेता चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा है कि घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए गोली ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनका इलाज जूते है। जो ताकते देश विरोधी है उन्हें गोली के दम पर ही रास्ते पर लाया जा सकता है। देखो ऐसा है, मेरी बात बड़ी सीधी सी रहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कभी भी आपने देखा है कि जो लोग जिन्होंने ये शैतानी जो करनी होती है उनको जब तक सजा ना दी जाए तब तक, आपने जो एक वीडियो वायरल हुआ है आपने देखा कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं, वही लोग हैं ना जो पत्थर मारते हैं। इनका लाज यही है, जूता है। जे जो इनको उनको प्यार करते हैं उनको पपियां लेने की जरूरत नहीं है, देशद्रोही है। देशद्रोही का एक ही इलाज है, वो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे वो देश के अंदर हो, उसका इलाज है गोली। और अगर गोली ना हो तो कम से कम उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जैसे उसके वो डंडे मार रहे थे, ऐसा ही इनका इलाज चाहिए। दोबारा कोई पत्थर मार जाए तो आप बात करना, किस आजादी चाहिए इनको आप बताइए मुझे। कल ही हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है जलसा कर रहे थे और वो बीजेपी की बातें कर रहे थे। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जिनका जो सरदार है वो कहता है कि पत्थरबाज जो है वो देशभक्त है। मैं सलाथिया से पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से जनता में आ रहे हो, आप क्या यहाँ देना चाहते हो? जनता आपको जवाब दिया है उन्होंने, आगे और ज्यादा देगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है पॉलिटिक्स। जनता को रो रोई मूर्ख नहीं मार सकते आप। हम शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। जहां पर जम्मू में आप देखिए कितना शांति भाईचारा है, उन्होंने बहुत कोशिश की जहां पर अनरेस्ट में यहां पर भड़काऊ काम हो, लेकिन मैं दाद देता हूं मैं और अपनी पुलिस का, सुरक्षा बलों का, आर्मी का, कि जिन्होंने वातावरण खराब नहीं होने दिया, किश्तवाड़ में भी, डोडा में भी और पुंछ रजौरी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और यहां के पॉलिटिकल लीडरों का भी योगदान रहा। आज मेरे मन में एक ही चीज है कि हमारी जेके पुलिस जिंदाबाद, हमारी सशस्त्र जो बल है वो जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद।